हाय गईस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक चैदव एजुकेशन वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो चलो शो बार करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पी चाहिए तो क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाओगे अगर इस तरीके से आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन आपको ये मेरा चैनल मिलेगा यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पी को डाउनलोड कर पाओगे साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आपको मेरा ये प्रोफाइल मिलेगा यहाँ पे कनेक्ट कर कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में आप लोग डिस्कस कर सकते हो तो स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को काफ़ी सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान से शब्दों में मैं आप लोगों को इन आर्टिकल्स को समझाने वाला हूँ सब कुछ एग्ज़ामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है खासकर यू और स्टेट पी एस साथ ही साथ जो वन डे एग्जामिनेशनस हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं इस वाले आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में तो रिसेंटली सी सी चर्चा में है तो ये क्या है आओ समझते हैं इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर टू से रिलेट कर पाओगे सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आईटी एंड कंप्यूटर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन तो पहली चीज यहाँ पर ये यह आर्टिकल न्यूज में क्यों आया क्योंकि यहाँ पर रिसेंट टाइम में यानी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि आर खुद का एक डिजिटल रूपी ध्यान रखना खुद का एक डिजिटल रूपी जिसको नाम दिया जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है इस साल तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसी वजह से जो टर्म है ना ये न्यूज़ में आ चुका है आरबीआई ने इसके बारे में बताया और आरबीआई ने यहां पर यह भी बोला है कि देखो इस करेंसी को लाने के लिए एक अमेंडमेंट करना होगा आर के एक्ट के अंदर में और वो एक्ट कौन सा है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसके अंदर अमेंडमेंट कर कर इसके अंदर चेंजेस कर कर होगा क्या कि हम लोग सी को करेंगे लॉन्च और इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए आर ऑलरेडी एक प्रपोजल दे चुका है इतनी बात क्लियर हुई ये तो हमारा हो गया करेंट इशू अब हम लोग बात करते हैं ये आखिरकार सी है क्या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या एग्जैक्टली exactly? सी बेसिकली एक डिजिटल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा पेपर करेंसी का आज के टाइम पर जो आप लोग रुपया इस्तेमाल करते हो पेपर करेंसी आपको देखने को मिलती है उसी पेपर करेंसी का एक डिजिटल फॉर्मेट होगा डिजिटल वे में आप इस्तेमाल कर पाओगे अपने डिजिटल वॉलेट में यहाँ पे उस करेंसी को रख पाओगे ठीक है ना यानी पेपर की जगह उसकी डिजिटली एक वैल्यू होगी जैसे आज के टाइम पर आपने देखा होगा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक डिजिटल करेंसी है वैसे ही आप लोग को यहां पर ये डिजिटल करेंसी देखने को मिलती है जो कि आरबीआई लेकर आ रहा है अब देखो यहां पे होगा क्या क्रिप्टो करेंसी और इस आरबीआई वाली डिजिटल करेंसी में बहुत फर्क है बहुत क्या जमीन आसमान का फर्क है अब कैसे तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इस बात को ध्यान से सुनना जो करेंट टाइम पर क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टोकरेंसी में जैसे आप लोग जानते होंगे बिटकॉइन इथेरियम और ये सारी जो है ना अलग अलग प्रकार की आपको ये क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती हैं इन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी है क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ हमारे देश में जितने भी छोटे बैंक्स हैं इन सभी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए इनके ऊपर बना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही हर एक सेक्टर को पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी वैसे यहां पर क्या क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन इथेरियम ये जो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है इनको रेगुलेट करने के लिए क्या इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं लेकिन ये आपको ध्यान रखना ये तो मैंने बात बताई आपको क्रिप्टो करेंसी की अब अगर हम लोग बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में तो इसमें यह होगा कि यह डिजिटल फॉर्मेट में तो होगी करेंसी लेकिन इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी बैठी होगी दैट इज़ आर यानी आर इसको कंट्रोल कर रहा होगा लेकिन यही चीज़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है इसको कोई भी नहीं देख रहा है इसको कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो ये डिजिटल करेंसी डिजिटल फॉर्मेट में करेंसी को लॉन्च करने की बात की आर के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाएगा इतनी सी बातें यहां पर इसको बैकिंग मिलेगी हमारे सेंट्रल बैंक की हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो बेसिकली जो ये करेंसी आएगी ना ये एक फैट करेंसी देखने को मिलेगी अब फ्याट करेंसी क्या होती है देखो फयाट मनी ना वो मनी होता है जिसको सरकार इशू करती है जैसे आज के टाइम पर हमारे पास में जो नोट्स वगैरह इशू करता है वो हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है आपने देखा भी होगा नोट के ऊपर यहाँ पे गवर्नर के साइन होते हैं जैसे अब आप लोग 2000 का नोट निकालो कोई सा भी नोट निकालो तो उस पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन मिलेगा तो आर बेसिकली क्या करता है जो हमारी बेसिकली गवर्नमेंट है वो इस करेंसी को बैक करती है इस करेंसी को इशू करती है वो बेसिकली फ्याट मनी कहलाता है बाकी कुछ होता है कॉमोडिटी मनी एक तो होता है फ्याट मनी दूसरा आपको कॉम्योडिटी मनी पता होगा कॉम्योडिटी मनी का मतलब है सिल्वर और गोल्ड के जो कॉइन्स होते हैं वो सिल्वर गोल्ड हो गया ठीक है सिल्वर की वैल्यू होगी प्लस यहाँ पर उसका जो कॉइन होगा मतलब जो पहले के समय पर यूज़ होता था उसकी बात की जा रही है तो ऐसा भी देखने को मिलता है बट सिल्वर गोल्ड अलग हो गया लेकिन यहाँ पे हम लोग फियाट मनी की बात करें तो फियाट मनी एक ऐसी करेंसी है जिसको सरकार इशू करती है सरकार यहाँ पर इसको बैक करती है ठीक है ना तो वही बिल्कुल सिमिलर प्रकार की यानी कि जो ये डिजिटल करेंसी लेकर आई जाएगी ये बेसिकली यहाँ पर एक एक प्रकार की फियाट करेंसी होने वाली है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकोगे एक्सचेंज कर सकोगे जैसे आज के टाइम पर ये क्रिप्टो करेंसीज़ हैं क्रिप्टो करेंसीज़ का बहुत कम कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं बहुत कम कंट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं है ना आर इसको सपोर्ट नहीं करता आर क्रिप्टो करेंसी को शुरू से ही सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको पता है इनफैक्ट आर रेडी हो चुका था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई और ये क्रिप्टो करेंसी बैन होने से बच गई बट फिर भी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी से अच्छा यह है कि हम खुद का अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आए उसी वजह से यह न्यूज़ में बना हुआ है जैसे आज के टाइम पर आपके पास में ये करेंसी यूज़ करते हो बिल्कुल सिमिलर है कोई भी डिफरेंस नहीं है बट होगा क्या एक डिजिटल फॉर्मेट में होगी ये करेंसी ये जो पेपर करेंसी है उसका एक डिजिटल वर्जन होगा इतनी सी बात है अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा देखो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि लोग आज के टाइम पर जो फिजिकल करेंसी को हैंडल करते हैं यानी फिजिकली इतना सारा कैश वगैरह लेकर घूमना ठीक है जो यहाँ पर फिजिकली इन करेंसी को हैंडल किया जाता है ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा इससे क्या होगा कुछ भी करना होगा आप अपना इस डिजिटल मनी का इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो सिंपल सी बात हो गई मनी ट्रांसफ़र आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखते हैं वैसे यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पे भी किया जा सकता है डिजिटल फॉर्मेट में जो यहाँ पे करेंसी है उसका मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है आगे आते हैं अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा क्या आर अनोखा ही ऐसा काम कर रहा है या दुनिया में और भी कंट्रीज है जो ऐसा काम कर चुकी हैं देखो दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी खुद की इस प्रकार की डिजिटल करेंसी लेकर आ चुकी हैं कहोगे वाकई में हाँ देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है बहामस बहमस एक देश आपको देखने को मिलेगा जो कि पहला इकोनॉमी बनता है जिसने अपने खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है जिसको नाम दिया है सैन डॉलर ठीक है ना फिर नाइजीरिया आता है नाइजीरिया एक दूसरा कंट्री बनता है जिसने ई नायरा नाम की एक करेंसी को अपने यहाँ पर लॉन्च किया है साल 2020 में फिर चाइना दुनिया का पहला एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता है जिसने खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाई है ई e सी एन वाई फिर उसके बाद में कोरिया स्वीडन जमाइका और यूक्रेन ये भी आपको कुछ और कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी जो कि आज के टाइम पर काम कर रही हैं टेस्ट कर रही हैं डिजिटल करेंसी को अपने देश में लाने के लिए तो प्रा इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे और भी कंट्रीज़ का मेजर फोकस बढ़ रहा है कि हम खुद की करेंसी लेकर आएँ क्योंकि हम लोग पता है आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्यों नहीं विश्वास किया जा रहा है क्रिप्टोकरेंसी को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है कौन इसको रेगुलेट कर रहा है कैसे चल रही है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो नेगेटिव हैं ना एनवॉर्मेंट के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी की कभी वैल्यू यहाँ होती है नीचे और एकदम से बढ़ जाती है तो इस प्रकार के इश्यूज हम लोगों ने कोविड के समय पर भी देखे हैं तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली है इस वजह से काफी सारी कंट्रीज जो है ना वो क्रिप्टो को आज के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं इनफैक्ट चाइना जैसी कंट्री ने तो क्रिप्टो करेंसी को बैन ही कर दिया है अपने यहाँ से अब इंडिया भी यहाँ पर क्या कर रहा है इन करेंसीज़ को रेगुलेट करने के लिए अपनी खुद की करेंसी लेकर आ रहा है क्योंकि इंडिया भी खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता नहीं है रीज़न आपको पता है क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होने लगा कंट्री के अंदर तो फिर सारी बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल खत्म हो जाएगा है ना क्योंकि उस करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है तो ये भी एक इशू देखने को मिलेगा इस वजह से आरबीआई बी आई यहाँ पर बना हुआ है कि हम लोग यहाँ पर एक कर ऐसी करेंसी को लेकर आए जिसको हम लोग रेगुलेट कर सकें ठीक है जिसके ऊपर एक बॉडी बैठी हो कोई भी इशूज़ हो तो उस बॉडी के ऊपर ज़िम्मेदारी हो उस चीज़ की ठीक है ना अब यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी है इसके अपने आप में कुछ बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं सबसे बड़ा बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया जो यहाँ पर इतना सारा जो एक तरीके से करेंसी है उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा डिजिटल वे में ठीक है ना डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी आप एकदम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक बड़ा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो ये एक फ़ायदा देखने को मिलेगा ठीक है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप लोग सेटलमेंट कर सकते हो वो आपको फायदा देखने को मिलेगा प्लस एक चैलेंज है इशू भी है वह है प्राइवेसी कंसर्न होगा क्या जब डिजिटल करेंसी आप आप यूज करोगे तो आपका बहुत सारा जो डेटा है ना वो जनरेट होगा वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा आर के पास में तो सेंट्रल बैंक के पास में बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों का जो डेटा है उसको लेकर इश्यूज क्रिएट हो सकते है आने वाले टाइम पर डेटा को लेकर यानी कि जो उनकी प्राइवेसी है है ना प्राइवेसी को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकता है तो ये भी यहाँ पर बोला गया तो चैलेंज इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिंपल सी बात है आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये डिजिटल करेंसी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं इस वाले आर्टिकल को अभी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपने बहुत बार पढ़ रखे हैं पक चुके होंगे पढ़ते पढ़ते जैसे स्पेस डेबरिस लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा कुछ अलग पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करते हैं यहाँ पे बात की गई है सेल्फ सफिशंसी इन यूरिया के बारे में अभी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा यूरिया वगैरह क्या होता है लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो आज का मॉर्निंग का द हिंदू का वीडियो था उसका जो पी है वो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ अभी मुझे पी मैंने क्रिएट भी नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे फादर का ऑपरेशन था जिसकी वजह से मेरे सुबह मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड किया फिर उसके बाद में यहाँ पर चले गए हम लोग फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब आप कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी फिर यहाँ पे आज का करंट अफेयर वीडियो के आने की भी मतलब बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी लेकिन आ जाती है वो वीडियो एक आज पता है क्या हुआ ना आज हम लोग को एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी क्योंकि ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है घर में यार पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स को यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आपको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती होगी दुख होता होगा तो वही चीज़ अपने साथ भी थी पता है और एक इंटरेस्टिंग बात होता आज का जो करंट अफेयर का वीडियो आया है ना ये भी मेरे फादर की वजह से आया है ऑपरेशन वगैरह हो गया था उसके बाद आपको पता है कुछ टाइम तक होश आता नहीं है सब कुछ हुआ फिर उसके बाद मैं होश आया भी तो फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि वीडियो नहीं बनाएगा आज मैंने कहा कि आज कैसे वीडियो बनाते हैं आज रहन देते हैं कोई बात नहीं एक दिन की बात है सब लोग समझते हैं बहुत अच्छे से मुझे और मैं एक मैसेज डाल देता हूँ लेकिन यहाँ पर क्या हुआ फ़ादर बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है अभी पिछले टाइम पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस मिस भी करी हैं आपको पता होगा शाम के टाइम पे करंट अफेयर की तो अब वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं वीडियो जाके रिकॉर्ड करनी है वीडियो बनानी है तो मतलब यार आप खुद सोच सकते हो कि बस मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ कोई लफ्ज़ नहीं है तो ये चीज़ है वो जब कॉमेंट्स पढ़ते हैं सब कुछ पढ़ते हैं ठीक है ना कॉमेंट्स वगैरह देखते हैं वीडियोज़ के ऊपर वो भी यहाँ पर मतलब सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से मेरे काम को है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं इस काम की और मतलब हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहेंगे कि करते रहना है वीडियोस टाइम पर जानी चाहिए डिसिप्लिन में रेगुलर काम करना चाहिए इस वजह से यहाँ पर मैं यहाँ पर अपनी फील्ड में इस समय लगा पड़ा हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ में थोड़ा काम कर भी रहा हूँ तो एक सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता है पेरेंट्स का आई होप आप लोग यहाँ पर इन बातों को अच्छे समझ रहे होंगे है ना चलो फ़िलहाल अभी मैं फ़िलहाल इतना ही बता रहा था कि जो पी है द हिंदू का वो मैंने अपलोड नहीं किया है मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है आज वैसे भी हम लोग थक गए बहुत ज़्यादा और अभी जो है ना सब कुछ वैसे अच्छा रहा सक्सेसफुल रही सारी चीज़ें बहुत अच्छा रहा और उससे भी इंटरेस्टिंग बात इतने सारे मैसेजेस मैंने रिसीव करे सच में यार बड़े प्यारे लोग हैं सभी लोग इतना बड़ा चैनल क्रिएट किया एक फैमिली की तरह सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव करे टेलीग्राम पर जो हमने वो वाला ग्रुप बना रखा है डिस्कशन वाला बहुत सारे मैसेजेस सभी लोगों को सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक फैमिली सी फीलिंग आती है मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग जानते ही नहीं एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब लोग कितना जानते हैं हम आपस में कितना मिलते रहते हैं कितना जानते हैं इस प्रकार से मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव करे हैं तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को यहाँ पर बात आती है यूरिया की बात तो यूरिया बेसिकली क्या है एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमारे फसलों को और ज़्यादा ग्रोथ में लाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर ठीक है ना खाद की तरह अब यूरिया जो है ना आज के टाइम पर न्यूज़ में बना हुआ है बहुत लंबे समय से क्यों न्यूज़ में बना हुआ है एक एक करके डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको बता दूं इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर टू और थ्री दोनों से रिलेट कर पाओगे हमारे सिलेबस के अंदर ये कुछ टॉपिक्स आपको नज़र आते हैं पहली चीज़ यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है देखो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया है ना वो अभी आशा ये कर रहा है कि हम लोग अपना जो यूरिया का इम्पोर्ट है उसको कम कर दें आने वाले चार सालों के अंदर हम लोग अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट रहें पता है प्रॉब्लम यह है कि यूरिया का इस्तेमाल ये यूरिया जो दिख रहा है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ये बेसिकली यहाँ पर एक न्यूट्रियट है एक न्यूट्रियट है जो कि हमारी फसलों को चाहिए होता है और फसलों को ये न्यूट्रियट मिलता है इसकी वजह से फसलें ग्रो करती हैं होता यह है कि इस पर्टिकुलर यूरिया के ऊपर जो भी हमारी डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्री के ऊपर है हम लोग बाहर से विदेशों से इस यूरिया को मंगाते हैं अपने देश के अंदर तो हमारा टारगेट यह है कि जो हम लोग डिपेंडेंट हैं आज के टाइम पर दूसरे देशों के ऊपर उसको ख़त्म कर दें उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं तो इसके लिए भारत ने खुद एक खुद का लोकल वर्जन बना लिया है यूरिया का यानी लोकल वर्जन का मतलब है लोकली हमने अपने कंट्री के अंदर डेवलप किया है उस वर्जन का नाम है लिक्विड नैनो यूरिया वैसे आपको पता है यूरिया जो है ना ऐसे सफ़ेद कलर का दिखता है बोरे में भरकर लाया जाता है जो फार्मर्स हैं इस प्रकार से फसलों पर छिड़कते हैं अभी बोरे में मिलता है ना कट्टा मिलता है पूरा यूरिया का लेकिन जब आप लोग देखोगे अभी रिसेंटली नैनो यूरिया का जो एक तरीके से डेवलपमेंट है वो किया गया नैनो यूरिया क्या है बॉटल में यानी छोटी सी बॉटल में आप यहाँ पे ढेर सारा यूरिया इकट्ठा कर सकते हो नैनो यूरिया एक बोरे के बराबर ताकत यहाँ पर एक बॉटल में रहेगी तो बेसिकली यह है नैनो यूरिया तो हम लोग नैनो यूरिया को डेवलप कर रहे हैं तो आकी हम लोग क्या कर सकें जो आज के टाइम पर विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं उस डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकें तो ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये क्या है तो यूरिया बेसिकली एक नैनो पार्टिकल है एक न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स के लिए होता क्या है जब हम लोग इस यूरिया का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के अंदर तो ये हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है और उस नाइट्रोजन की वजह से प्लांट्स हमारा ग्रो करने लगता है तो यूरिया क्या है एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक खाद की तरह काम करता है कलर में आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन को सॉरी प्रोवाइड करवाता है हमारे प्लांट्स को जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो होते हैं सिंपल सी बात है तो अभी जो बोरे में यूरिया आ रहा था उस एक बोरे की ताकत पांच सौ के बॉटल में कन्वर्ट कर दी गई है इस प्रकार से यूरिया बनाया गया जिसको नैनो यूरिया बोरा गया जो एक बोरे की ताकत है वो पांच सौ के बॉटल में कन्वर्ट कर दी गई तो आप इमेजिन कर सकते हो किस प्रकार से इंडिया आगे बढ़ रहा है तो ये जो नैनो यूरिया है बेसिकली एक इंडीजीनियस यूरिया है हमने खुद इसको इंट्रोड्यूस किया है खुद डेवलप किया है अब भारत में इसको सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया उसके लिए यहाँ पर बनी हुई एक बॉडी इफगो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इन्होंने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन किया है प्लस यहाँ पर जो पहला लिक्विड नैनो यूरिया का जब प्लांट है ना इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के कालोल के अंदर यह आप लोग ध्यान रख सकते हो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पहला लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ पर है तो वो प्लांट आपको गुजरात के कालोल में देखने को मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर यूरिया के ऊपर इतनी चर्चा की जा रही है भारत आखिरकार क्यों अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है भारत इसमें खुद सेल्फ सफिशेंट क्यों होना चाहता है क्यों आत्मनिर्भर बनना चाहता है इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत लंबे समय पहले से ही भरपूर मात्रा में यूरिया को इम्पोर्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों से तो इंडिया जो है दुनिया का एक लार्जेस्ट बायर है यूरिया का साथ ही साथ में डीएपी का दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका भी हम लोग फसलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बायर है बहुत बड़ा यूरिया और डीएपी का ध्यान रखना तो यूरिया वर्ड यहां पर आ जाता है तो यूरिया हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरे भारत में अगर हम लोग फर्टिलाइजर यानी खाद की बात करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यूरिया है और सेकेंड नंबर पर यूज होने वाला जो खाद है वह है डीएपी और करेंट टाइम पर जब आप देखोगे तो हम लोग दुनिया भर की कंट्री से इस यूरिया को मंगा रहे हैं और हमने देखा कि अभी रिसेंटली कोविड के समय पर जब यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगा कोई भी व्यापार नहीं हो रहा था तो उस समय पर भारत में भी सप्लाई को लेकर काफ़ी सारा डिसरप्शन देखने को मिला यानी सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही थी हमारे कंट्री में यूरिया पहुँच नहीं पा रहा था तो ये सारे इश्यूज़ हम लोगों ने देखे हमने देखा कि ऐसा कुछ फ्यूचर में भी हो सकता है है ना और अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारी 70 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर तो यहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइज़र नहीं आएगा ये यूरिया का इस्तेमाल नहीं होगा हमारी फसलें ग्रो नहीं करेंगी तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो बेसिकली जो यूरिया की डिमांड है ना वो हम लोग नहीं चाहते कि फ्यूचर में भी बढ़ती रहे जैसे आज के टाइम पर हम लोग दूसरे कंट्री से मंगा रहे हैं हम नहीं चाहते कि आगे भी मंगाती रहें क्योंकि आने वाले टाइम पर कुछ और अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इससे डायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम लोग इसी वजह से सेल्फ सफिशेंट बनना चाहते हैं और सेल्फ सफिशेंट बनने के पीछे का एक और बहुत कारण है यह वाला सेंटेंस इसको लिख लेना अगर हम लोग यूरिया में सेल्फ सफिशियंट बन जाते हैं खुद अपने देश में प्रोडक्शन करने लगते हैं यूरिया का तो इससे सरकार को कम से कम 40,000 करोड़ चालीस 40 हजार करोड़ रुपए बच सकते हैं कैन यू इमेजिन इतना पैसा बचाया जा सकता है इतने रुपए का यूरिया हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हम लोग यूरिया के अंदर सेल्फ सफिशेंट बनना चाहते हैं अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है इन फर्टिलाइजर्स का जो स्टेटस इंडिया के अंदर वो कहाँ पर स्टैंड करता है ये जो फ़र्टिलाइजर्स हैं इसका किस प्रकार से यूज़ हो रहा है भारत में तो इंडिया के अंदर पिछले दस सालों में अगर हम लोग बात करें तो पिछले दस सालों में हर साल 500 सौ लैख मैट्रिक टन के आसपास जो फर्टिलाइज़र है वो इस्तेमाल किया गया मतलब खाद की खपत भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा है हमारी केंद्र सरकार फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी भी देती है करोड़ों रुपया यहाँ पर सब्सिडी के अंदर दिया जाता है लाखों करोड़ों रुपया तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हमारा कितना बड़ा सेक्टर है जो कि यूरिया का यानी फर्टिलाइजर का आप कह सकते हो कि जो हमारी खाद है उसका इस्तेमाल करता है फिर उसके बाद में एक डेटा दिया गया साल 2018-19 और साल 2020-21 के बीच की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट था वो बढ़ चुका है हम लोग दुनिया भर से फ़र्टिलाइज़र्स मंगा रहे थे हमने मैंने आपको बताया ना कि दुनिया भर की कंट्री से मंगा रहे हैं हम लोग यही एक चैलेंज बना हुआ है इसी वजह से सेल्फ सफिशेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर बोला गया जब आप लोग देखोगे तो पहले हम लोग एटीन मिलियन टन के आसपास साल दो हज़ार के अंदर हम लोग इतने इतना मिलियन टन जो यूरिया है वो मंगाया करते थे फर्टिलाइज़र जो खाद है सॉरी वो मंगाया करते थे लेकिन जब आप देखोगे साल दो हज़ार के अंदर तो ये इंपोर्ट बढ़ जाता है ये इम्पोर्ट आठ परसेंट से बढ़कर ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री मिलियन टन्स के आसपास हो जाता है तो साल 2021 के अंदर जो यूरिया का रिक्वायरमेंट है जितना भी हम लोग को यूरिया साल 2021 के अंदर लगा है हमारे देश में उसका एक चौथा यूरिया तो हम लोगों ने मंगाया है बाहर से तो ये आपको फर्टिलाइज़र का स्टेटस भारत में देखने को मिलेगा तो इतने सारे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा होता है हम लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्शन टारगेट को रेगुलरली इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं और इसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इसी चीज़ में सरकारी इनिशिएटिव्स ने बहुत ज़्यादा मदद करी है बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे जैसे कि सबसे पहला आता है नैनो यूरिया प्रोडक्शन नैनो यूरिया प्रोडक्शन मैंने आपको बताया ना ये वाली बॉटल वाला यूरिया का प्रोडक्शन जो किया गया है इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हम लोगों ने आठ नए नैनो यूरिया जो प्लांट्स हैं ना इसको हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और आने वाले टाइम पर ये जो नए प्लांट्स आठ आपको दिख रहे हैं ये जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और ये क्या करेंगे बहुत सारा नैनो यूरिया बनाएंगे नवंबर 2025 तक प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और ये जो प्लांट्स हैं आठ ये कहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड हैं तो बहुत से राज्यों में देखने को मिलेंगे जैसे कर्नाटका उत्तर प्रदेश और आसाम के अंदर इनको लगाया गया है तो सरकार ने इस प्रकार से इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट किया दूसरा नंबर देखने को मिलेगा वो है नीम कोटिंग ऑफ यूरिया जो यूरिया आपको सफ़ेद कलर का दानेदार दिखता है ना इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया कि भैया नीम लगा दिया जाए इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी जाए इससे क्या होगा सॉइल का हेल्थ इंप्रूव होगा साथ ही साथ में एक और फायदा होगा देखो होता यह है ना कि मैंने आपको दिखाया ये जो यूरिया ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है दानेदार इस यूरिया का एग्रीकल्चर के अलावा यानी हम लोग अपने कृषि वाले क्षेत्र में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं उसके अलावा हम लोग यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कि दूध के अंदर मिलावट में यूरिया का यूज़ हो रहा था और रिसेंटली मैंने वाली रिपोर्ट आपके साथ में डिस्कस भी की थी तो इस वजह से सरकार ने खासकर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने एक कदम उठाया इन्होंने ये बोला कि जो यूरिया है इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी जाएगी हरी कलर की कोटिंग कर दी जाएगी इससे क्या होगा इससे यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के अंदर इस यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा प्लस नीम की वजह से हमारा जो सॉइल है जो मिट्टी है उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी हमारे प्लांट्स को और सपोर्ट मिलेगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तौर पर देखने को मिलती हैं क्लियर हो गया चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा देना मेक श्योर sure करना टू के प्लस लाइक्स को आप लोग अचीव करवा दो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल अफ्रीकन राइनो के बारे में बात करता है इस गैंडे के बारे में बात करेंगे अफ्रीकन राइनो के बारे में इस वाले आर्टिकल को आप लोग जी पेपर नंबर टू और थ्री से रिलेट कर पाओगे सिलेबस के अंदर कंजर्वेशन और साथ ही साथ में ऑब्वियसली है एनवेंट का टॉपिक हो गया और प्रलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा राइनो के जितनी भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं सभी प्रकार की प्रजातियों के बारे में आपको मैं सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं यानी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे तो न्यूज़ में क्यों है क्योंकि एक रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट ने यह बताया कि जो राइनो की पोचिंग हो रही है राइनो की जो हंटिंग हो रही है शिकार हो रहा है वो अफ्रीका के अंदर अभी पिछले कुछ समय पर थोड़ा सा कम हुआ है साल दो के अंदर राइनो की जो पोचिंग हो रही थी ना जो ये शिकार हो रहा था वो 3.9 परसेंट का हो रहा था लेकिन साल 2021 में ये कम होकर 2.3 परसेंट हो गया ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया अब क्या होता है साल 2018 से लेकर 2021 के बीच में कितनी कितनी हटिंग करी गई है कितनी पोचिंग करी गई है वो सारी बातें यहाँ पर डेटा वाइज बताई गई हैं ठीक है ना कितना अवैध शिकार किया गया है, वो सब यहाँ पर डेटा वाइज बताया गया है सबसे पहली बात इस रिपोर्ट ने क्या बताया है जो कि हमें जानना चाहिए देखो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है रिपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वाली क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाने वाली जो बॉडीज़ हैं वो बॉडीज बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पर आने वाली बॉडीज़ हैं जैसे आई यू सी एन हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन अफ्रीकन एंड एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप और ट्रैफिक इन सभी बॉडीज़ ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है दैट इज़ वाई रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नाउ यहाँ पे जो ये अफ्रीकन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप है ना इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है लगभग तेरह अलग अलग देशों से और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली राइनो को लेकर है और वो अलग अलग देश आपको ये सारे नाम देखने को मिलेंगे बोत्सवना चैड एसवातिना एसवातिनी देन कीनिया मालावी ये सारे कंट्रीज़ के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है ये आपको अलग अलग देशों से इन अफ्रीकन राइनों का जो डेटा है वो लिया गया है ये जो देश आपको बताए गए ना ये सारी अफ्रीकन कंट्री हैं अफ्रीका की बात कर दो तो आपको ये अफ्रीकन मैप देखने को मिलेगा ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे आप देखोगे तो इधर ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में आपको राइनोस काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं क्लियर हुआ आगे आते हैं अब ये रिपोर्ट ये बोलती है कि जो ये राइनोसेरस की पोचिंग हो रही है अवैध तरीके से शिकार हो रहा है अफ्रीका के अंदर वो कम हो रहा है 2015 के अंदर की जो शिकार है वो लगभग 5.3 परसेंट के आसपास हुआ करता था लेकिन साल 2021 के अंदर यही जो शिकार है वो 2.3 परसेंट के आसपास पहुंच गया साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो राइनो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है वाइट राइनो जब हम लोग राइनो की बात करते हैं तो राइनो अलग अलग प्रकार के लगभग राइनो की आपको पाँच प्रजातियाँ मिलती हैं पाँच स्पीशीज़ मिलती हैं वो पाँच स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं तो एक है सुमतन राइनो देन ब्लैक राइनो देन इधर आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिलेगा देन जवान राइनो देन उसके बाद व्हाइट राइनो तो ये आपको पांच प्रजातियां देखने को मिलती हैं एक और बात ध्यान रख सकते हो राइनो की जब भी बात आती है ना तो 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड राइनो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है नाउ होता क्या है साउथ अफ्रीका ने लगभग 394 राइनोस को खो दिया है साल 2020 के अंदर क्योंकि यहाँ पर उनका अवैध तरीके से शिकार हुआ ऐसा यहाँ पर बोला गया अफ्रीका के अंदर आज के टाइम पर साल 2021 के अंत तक लगभग 22,137 के आसपास अफ्रीकन राइनोस पाए जाते जाते थे इतने राइनोस वहाँ पर देखे गए हैं अब राइनोस की जो भी यहाँ पर पोचिंग वगैरह बढ़ी थी यानी जो भी पोचिंग हो रही थी राइनोस की जो भी अवैध तरीके से शिकार हो रहा था वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ज़्यादातर देखने को मिला है ऐसा यहाँ पर बोला गया अब आते हैं कुछ रेलिवेंट पॉइंट की तरफ ये जो स्लाइड्स हैं यहाँ से वो प्रिलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे राइनो से संबंधित पहले ब्लैक राइनो और वाइट राइनो के बारे में पढ़ने वाले हैं ब्लैक राइनो ब्लैक राइनोज जो है ना वो काफ़ी छोटे देखने को मिलते हैं इनकी स्पेशी काफ़ी छोटी सी है और उसके बाद इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है डाइसोरस बेकॉर्नस कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं सेमी डेजर्ट सवाना वुडलैंड फॉरेस्ट लैंड के अंदर पाए जाते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक जानवर का आपको प्रोटेक्शन स्टेटस ज़रूर से पढ़ना है तो ये जो ब्लैक राइनो है इसका आयु रेड लिस्ट के अंदर इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल रखा है यानी कि इसकी जनसंख्या बहुत खतरे में है साइट्स के अंदर अपेंडिक्स वन में डाल रखा है यानी कि इसका जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार है उसके ऊपर रोक लगाई गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो 1972 का एक्ट है इसके अंदर जो मतलब कहाँ पे डाल रखा है उसको लेकर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप आयु और साइट्स के बारे में ध्यान रख सकते हो वो कहानी होती है ब्लैक राइनो की अब बात आती है वाइट राइनो की जब हम लोग बात करते हैं व्हाइट राइनोस की तो वाइट राइनो जो है सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आपको देखने को मिलेगा एलिफेंट के बाद में हाथी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मैमल है जो वाइट राइनोज हैं ये जाने जाते हैं अपने स्क्वायर लिप के माध्यम से भी इसका साइंटिफिक नेम क्या है केराथोथेरियम सिमम हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो सवाना एरियाज के अंदर ये पाया जाता है प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आई रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रटन कैटेगरी में रखा गया यानी कि इसकी जनसंख्या अगेन आप कह सकते हो खतरे में है और खतरे में पहुँचने वाली है फिर साइड्स में इसको अपेंडिक्स वन और टू के अंदर रखा गया अगेन इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर रोक लगाई गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डेटा का जो भी यहाँ पर मैंशन है वो नॉट अवेलेबल बताया गया है तो ये आपको दो प्रकार के राइनोज देखने को मिलेंगे इसके अलावा राइनोज़ की और ही बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जैसे एक आती है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के बारे में बात करें तो ये एक एशिया का सबसे बड़ी स्पीशी राइनो की देखने को मिलती है इसको हम लोग इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं इंडिया के अंदर ये वन हॉर्न राइनो की प्रजाति बहुत सारी है असम के अंदर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे तो बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं साइंटिफिक नेम बात करें तो राइनोसोरस यूनिकॉर्नस नाम है वनरेबल कैटेगरी में अगेन खतरनाक है आयु स्टेटस जब आप लोग देखोगे ट्रॉपिकल ग्रास में पाया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया और नेपाल में आपको ये देखने को मिलेगा फिर दूसरे प्रकार का आता है वो है सुमत्रन राइनो सुमत्रा राइनो की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है डिकोरेनस सुमैत्रेनस क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये सुमित्रा और साबा वाले एरिया में पाया जाता है फिर आता है जावन राइनो जामै जो राइनो है इसका साइंटिफिक नेम है राइनोसेरस सोंडाइकस क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये सुमित्रा और शबा वाले रीजन में पाया जाता है तो ये कुछ राइनोस की स्पीशीज जो कि अलग अलग एरियाज में पाई जाती हैं जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो ना अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वाले आर्टिकल की तरफ इसको भी कवर करेंगे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली इंडिया का पहला कमर्शियल एस एस ए ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में आ चुका है ये क्या है एस एस ए ऑब्जर्वेटरी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर थ्री से रिलेट कर पाओगे सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी साइंटिफिक इनोवेशंस वहाँ से रिलेट किया जा सकता है न्यूज़ में क्यों है क्योंकि भारत का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेटअप करी जाएगी उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ध्यान रखना आराम से पता चल रहा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो इस प्रकार से दिखेगी यहाँ से क्या होगा हम लोग स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे स्पेस के बारे में जानेंगे जांच पड़ताल करेंगे और अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता फैलाएंगे जो जो बातें पता चलेंगी उसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाएगी इस स्पेस को लेकर तो इस प्रकार से एक ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है अब जो ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप करी जाएगी ना ये दिगांतरा एक बैंगलुरु यानी बैंग, जो बैंगलोर है वहाँ पर आपको एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप देखने को मिलेगा उसी स्टार्टअप के थ्रू यहाँ पर इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है इस ऑब्जर्वेटरी के मेजर की पॉइंट्स क्या क्या हैं मतलब कैसे काम करेगी क्या यहाँ पर इसके फीचर्स हैं तो ये ऑब्जर्वेटरी क्या काम करने वाली मैंने आपको बताया जो स्पेस के अंदर जितना ट्रैफिक है जो अंतरिक्ष है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने वाली है साथ ही साथ में स्पेस के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ट्रैक करेगी उसको देखेगी प्लस स्पेस के अंदर जो स्पेस डेब्रिस है यानी अंतरिक्ष का जो कचरा है कुछ जिस प्रकार से आपको अंतरिक्ष का कचरा देखने को मिलेगा इस स्पेस डेब्रिस को यहाँ पर ट्रैक करेगी तो स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने का इसका एक मेजर गोल है और करेंट टाइम पर यू यानी कि जो अमेरिका है वो एक डोमिनेंट प्लेयर माना जाता है इस डेब्रिस को मॉनिटर करने में यानी अंतरिक्ष में जो कचरा फैल रहा है ना इसको देखने के लिए यानी इसको मैनेज करने के लिए अभी तक एक टॉप कंट्री है वो है अमेरिका उसके बाद यहाँ पे इंडिया इस प्रकार से कुछ काम कर रहा है अब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एस एस एब्जरवेटरी को भी सेटअप कर रहे हैं अब ये जो एस एस ए ऑब्जर्वेटरी है वो हमारे स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करेगी स्पेस डेब्रिस क्या होता है स्पेस डेब्रिस होता है अंतरिक्ष में कचरा ये जो आप पृथ्वी देख रहे हो पृथ्वी के इसके आसपास जो ये वाइट वाइट कलर का दिख रहा है सब कचरा है वो कचरा कौन सा है देखो होता क्या है ना हम लोग बहुत सारी सैटेलाइट्स को दिन ब दिन लॉन्च कर रहे हैं अब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट लगता है रॉकेट आसमान में गया अंतरिक्ष में गया उसके बाद उसने सैटेलाइट को लॉन्च किया फिर वो रॉकेट वहीं पर कवाड़ बन गया और वैसे ही वो जो सैटेलाइट है उसकी उम्र भी दस साल पंद्रह साल कुछ इस प्रकार से रहती है उसके बाद यहाँ पर उसकी एज भी यानी जो उसका टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है वो भी कचरे की तरह वहाँ पर आसमान में यानी सॉरी अंतरिक्ष में तैरती रहती है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी कचरा अंतरिक्ष में तैर रहा है वो लगभग 27,000 सेवन हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है यानी अगर छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा भी अगर हमारे मान लो किसी सैटेलाइट से भी टकरा जाए तो सैटेलाइट को ध्वज कर दे सैटेलाइट को बेकार कर दे तो ये बेसिकली हमारे जो एसेट्स हैं करेंट टाइम पर उसके लिए बहुत खतरा भी पैदा होता है ये सारा का सारा कचरा जो है वो तो ये जो आज के टाइम पर स्पेस डेबरेज फ्रीली फ्लोट हो रहा है ये हमारी सैटेलाइट्स के लिए जो ऑपरेशनल कर रही है सेटेलाइट्स उसके लिए बहुत खतरनाक है क्यों क्योंकि इससे टकरा सकता है टकराने के बाद में सैटेलाइट्स काम करना बंद कर सकती हैं और आपने देखा होगा इसी वजह से कभी कभी हम अपने मिशन को लेट कर देते हैं क्यों क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं वो अंतरिक्ष में कचरा नजर आता है अगर हम तब भी लॉन्च कर देंगे तो कचरे से टकराएगा और उससे यहाँ पर हमारा खुद का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है ये यह ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर ट्रैक करेगी अंतरिक्ष को अच्छे से देखेगी निगरानी रखेगी देखेगी सारे जो भी कचरे हैं वो कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं जो भी अंतरिक्ष के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है उनको देखने का काम करेगी है ना जो भी मूवमेंट हो रहा है जितने भी ऑब्जेक्टिव का मीटियर सेटेलाइट जो भी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है स्पेस के अंदर वेदर कैसा है उन सब चीज़ों को ट्रैक करने का काम करेगा ये एस ऑब्जर्वेटरी ठीक है ना इतनी बात ध्यान रखना अब इस ऑब्जर्वेटरी की नोडल एजेंसी कौन सी है कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इसरो ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं इस ऑब्जर्वेटरी को बनाने में इस ऑब्जर्वेटरी को कोऑर्डिनेट किया गया है बेंगलुरु के कंट्रोल सेंटर के साथ में साथ ही साथ में यहाँ आप, आप देख पाओगे कुछ भी और भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि मिलकर इस पर्टिकुलर बॉडी को सेटअप कर रही हैं बाकी हम लोग जब बात कर रहे थे स्पेस डेबरेज के यानी अंतरिक्ष कचरे की तो इससे संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको पता होगा भारत ने प्रोजेक्ट नेत्रा चला रखा है प्रोजेक्ट नेत्रा में हमारा टारगेट यही है कि हम लोग अंतरिक्ष में इस कचरे को ट्रैक कर सकें और छोटे से बड़ा कचरा सभी चीज़ को देख सकें और यहाँ पे जो भी टकराव है उसको रोक सकें और वही काम यहाँ पर इस एस एस ए ऑब्जर्वेटरी का रहने वाला है एस एस ए ऑब्जर्वेटरी भी यही करेगी कि यहाँ पे जो कचरा होगा अंतरिक्ष में चाहे वो छोटे से छोटा दस सेंटीमीटर का होगा या बड़े से बड़ा कितने ही बड़े साइज का होगा उस कचरे को टैकल किया जाएगा उसको देखा जाएगा प्लस हम अपने जो भी मिशन होंगे उसको बचाएंगे कि वो मिशन उस पर्टिकुलर कचरे से टकरा ना जाए तो ये बेसिकली स्पेस डेबरिज को लेकर था जिसके लिए एस एस एब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है सिंपल बात हो गई तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स से आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला है सब कुछ एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट था ना इसी के साथ मैं करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू एंड जय हिंद